Make sure to subscribe and hit the notification button to get notified when new videos come out. Hello, assalamualaikum. Welcome to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए जबरदस्ती कच्चे गोश्त की बिरयानी लेकर आई हूँ. हैदराबादी डिश है, हैदराबाद दक्कन की बहुत फेमस कच्चे गोश्त की बिरयानी है. वहाँ पर बहुत इंडिया में बहुत पसंद की जाती है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है. हम लोग इसे बहुत बनाते हैं पाकिस्तान में, बल्कि आजकल तो पूरी दुनिया में ही हैदराबादी बिरयानी बनाई जाती है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये बिरयानी बनाते हैं. और एक्चुअली मेरा ससुराल भी हैदराबाद दक्कन से है, तो हमने वहाँ पे भी देखा है, वहाँ पे हमारे ससुराल में भी सब लोग बहुत बनाते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी. तो आप लोगों के लिए मैं ये लेकर आई हूँ ज़बरदस्ती डिश. आप लोग मेरे साथ रहें आखिर तक, चले मैं बनाती हूँ. यह हम कच्चे गोश्त की बिरयानी हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने जा रही हूँ मैं. उसके लिए मैं ये मैंने 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता लिया है. ये मटन है हमारे पास, 1 kg मटन लिया है मैंने, 1 kg. इसमें ये 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता है, रॉ पपाया, ये हम डालेंगे. लाल मिर्चें हैं 3 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून ली थी मैंने, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून. हम पहले और ये थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला लिया है. आपकी ऊपर आपकी चॉइस, अगर आपको लेना है तो ले लें. पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब इसमें मैं दही डालूंगी. ये दही लिया था मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब. और ये रेड चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून, ये भी डाल दूंगी मैं इसमें. नमक 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. और फिर इसमें ये ऑयल डालेंगे. ऑयल मैंने ये अनियन फ्राई की थी उसका ही ऑयल है, ये मैंने उसका ऑयल लिया है. ये इसके अंदर डालेंगे 1 कप के करीब. बस इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करके. फिर 2 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ. चावल बॉईल करेंगे फिर इसमें तह लगाएंगे. ये हमने बिरयानी के लिए चावल जो है 1/2 घंटे से भिगो दिए थे. ये 1 kg चावल है, इससे के 1 kg राइस. हमारे पास गोश्त है और ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है चावलों के लिए. ये हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे, बादियान के फूल हैं, तेज़पत्ता और जीरा, नमक डालूंगी. नमक आप हंस भी जायका यूज़ कीजिएगा जितना आपको ज़रूरत हो. हरी मिर्च इसमें डालूंगी और थोड़ा सा पुदीना और धनिया. अब इसे पानी को उबलने देंगे फिर हम इसमें राइस डालेंगे. यह हमारा पानी जो है वो बॉईल हो गया. मैं इसमें चावल डाल रही हूँ. हाँ
चावल को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, आधा कच्चा रखना है। इस देखें हम उसमें लेयर लगाएंगे तो वो उसके साथ ही दम होगा। ये हमारे चावल देखें बॉईल हो गए हैं, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें आधा कच्चा रखना है। ये देखें आधे कच्चे हैं हमारे चावल, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, हाफ कुक करना है। तो अब बस मैं इसे निकालती हूँ। ये हमने ये देखें गोश्त मसाला लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ये चावल डालूंगी जो हमने अभी बॉईल किए हैं, ये हाफ डन है। पहले मैं इसमें इसी गोश्त में मैं थोड़ी सी प्याज डालूंगी ताकि अंदर जो है प्याज का भी टेस्ट आए। ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये मैंने काट के रखा हुआ था, ये डालेंगे हम इसमें। और ये थोड़ा सा गर्म पानी है उसका, चावलों का ही पानी है, मैंने वही निकाल लिया था। इसको हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ताकि नीचे लगे ना, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इससे क्या गोश्त का पानी भी निकलेगा। और फिर अब हम चावलों की लेयर लगा देंगे। ये हमने देखें चावलों की तह लगा दी है, अब इस पे ऊपर से भी हम लोग प्याज डालेंगे। और ये ऑयल जो मैंने प्याज तली थी उसी का ऑयल है, आप लोग उससे थोड़ा बचा लीजिएगा, वो डालिएगा। और ये इसमें मैं घी भी डालूंगी थोड़ा सा, घी से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मैंने पहले भी जब बिरयानी बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था घी डालने का, तो आप घी डालिएगा इसमें ज़रूर। और मैंने जब मैरिनेशन की थी मीट की तो इसमें मैंने थोड़ा आधे लेमन का जूस भी डाला था, तो वो जो मैं बताना आपको भूल गई थी तो अब मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मैंने आधा लेमन का जूस भी डाला था। और ये जर्दे का रंग है ये हम डालेंगे। आज इस पे मैं एल्युमिनियम फॉइल लगाऊंगी ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए, और फिर इसको मैं दम पे लगाऊंगी। दम पे लगाने के लिए देखें मैंने चूल्हे पे तवा ऑलरेडी रखा हुआ है, तो तवे को तेज़ आंच पे एकदम रख दीजिएगा ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए, और फिर उसके बाद हम चावलों को दम पे लगाएंगे। अच्छे से कवर करिएगा ताकि गोश्त आराम इसके अंदर गल जाए। पहले हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे 10 मिनट तक ताकि ये अंदर नीचे से गर्म हो जाए, और उसके बाद हम फिर मीडियम हीट पे 20-25 मिनट्स इसको दम पे लगाएंगे। ये 25 मिनट्स हो गए इसको, 25 मिनट बिरयानी जब दम पे लगाया था, इसे देखते हैं। ये देखें हमारी बिरयानी चावल, ये देखें, ये देखें, ये जबरदस्ती बिरयानी हमारी रेडी है। अब हम इसे
ये देखें गोश्त एकदम गल गया है, अब हम इसे बस निकालते हैं, डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारी बिरयानी जो है रेडी हो गई, एकदम तैयार है। ये गोश्त एकदम नीचे गल गया है, ये देखें ये बिल्कुल, ये देखें गोश्त एकदम गल गया है हमारा। अब हम इसे बस निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। ये चावल भी एकदम देखें ज़बरदस्त से तैयार है एकदम। अब हम इसे निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखिए ज़बरदस्ती कच्ची गोश्त की बिरयानी तैयार है। ये चावल देखें एकदम खिले खिले हैं, गोश्त भी एकदम गल गया है। और अब हम इसे, आप अगर चाहें तो इसे प्याज के साथ खा सकते हैं, ऊपर से भी आप प्याज डाल लें हल्की सी, और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसके साथ। और ये मैंने हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है, अगर आप चाहें तो ऐसे डेकोरेट कर लें इसको। ये देखें ज़बरदस्ती कच्ची गोश्त की बिरयानी हमारी तैयार है। ये देखें ज़बरदस्ती बिरयानी तैयार है। हैदराबाद दक्कन में इसे बघारे बैगन के साथ खाते हैं और मिर्चों के सालन के साथ, तो और भी मज़े की लगती होगी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमने इसके साथ रायता बनाया, हम इसे रायते के साथ खाएंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये ज़बरदस्त बिरयानी बनती है कच्चे गोश्त की, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मुझे और भी बता सकते हैं कि आपको और क्या देखना है, कौन सी डिश आपको पसंद है। आप अपनी राय दे सकते हैं मुझे कमेंट्स में। आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।